जब स्मृति ईरानी चूड़ी भेज सकती है तो हम फिर लिपस्टिक लाली सब भेजेंगे। अरे चलो ये लो धीर दिखाया, लो रोक लो, हमने वोट दिया हम दिखाएंगे भाई, हमारा काम नहीं हुआ, जेल भेजोगे, पूरी जेल भेजो। 60 लाख गर्लफ्रेंड बोले तो वहाँ ताली बजा के होगे हिजड़ों की तरह, और यहाँ बोलने भी नहीं दे रहे हो। ऐसा बेशर्म मोदी जैसा देश को प्रधानमंत्री मिला है, मोदी को वोट दिए हैं, टैक्स का पैसा देते हैं, वो नौकरी करने आए थे, बाप देश के ना बने। अरे दलालो बेशर्मो, आप डरोगे, मोदी से डरेगा मेरा जूता, लो डर गया मोदी, डर गए हम डर गए ये हम डर गए भाई। अरे डर तो लो लो लो, कौन माफी मांगे, डरता नहीं पंडित किसी के बाप से, अंत में जनता बाप होती है, नेता बाप नहीं होता, नरेंद्र मोदी होगा आपका बाप, इस देश का बाप नहीं है। संबित पात्रा कहता है मोदी मेरा बाप है जी, भागवत जी भागवत सुना रहे हैं, और कौन सी ऐसे दलालों के लिए, ये लो सभी धर्म सभी जातियां एक साथ रहे, ओम और अल्लाह एक है। फिर चौधरी जब पैदा हुए थे क्वैक 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 माँ माँ बोले थे, तो उनकी माँ भी कह रही थी मेरा मेरा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आईएएस बनेगा। ऐसे दलालों के लिए ये लो, अरे ये क्या कर रहे पंडित जी, ये कोई बात थोड़ी है। तो क्यों वो देश के युवाओं को ठेंगा दिखा रहा है, गरीब पत्रकारों का मजाक बना रहा है, पत्रकार डेली यूट्यूबर हमारे गरीब पत्रकार, वो युवा की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, और ये लोग चैनल में बैठ के गुल्लू मीना लगवाते हैं, उसके बाद कहते हैं लगते है देश में स्किल नहीं है। अरे तो किस स्किल ऑफ इंडिया क्या क्या करने तलवाने के लिए गए थे, ये बताइए। सरकारी नौकरी के लिए एक बच्चा जो है दिल्ली आता है, अब महानगरों में जाता है, पैसा खर्च करता है, पढ़ाई करता है, कमरे में बैठ के मेहनत करता है, दिन दुनिया होली दिवाली माँ बाप सब छोड़ देता है, और वो फ्री में पाता है, और वो दलाली करता है। दलाली तो मंत्री करवाते हैं, विधायक करवाते हैं, सांसद करवाते हैं, बिना उन्होंने कैसे दलाली के हो जाएगा, सोचिए आप। अरे उन्होंने सबको नहीं कहा है, जो निकम्मा है उसको कहा, अगर आप निकम्मा है तो आपको कहा है। तो मतलब जैसे जो 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 जैसा होता है वैसे ही मानता, वो निकम्मा है बेशरम आदमी। अरे तो मान के पत्रकारिता छोड़ने का समय आ गया है क्या, छोड़ बेशरम पत्रकार, दलाल हटो कुर्सी छोड़ो ये सबको। भैया हम तो कह रहे हैं गोदी मीडिया तो अच्छा, तो यूट्यूबर है, सभी बड़े नेता यूट्यूबरों को पकड़ लो भैया, यहाँ से बात पहुँच जाती है। अडानी के नाम आते ही अडानी वाली वीडियो का व्यूवरशिप कम हो जा रहा है, यूट्यूब को कितना पैसा मिला है वो बता दे, कि अडानी को छुपाने के लिए सरकार ने कितने रुपए खर्च किए हैं। अगर आप अडानी का नाम लेके थंबनेल पर लगा दीजिए तो आपकी वीडियो 10 मिनट में जाएगी। ऐसा नहीं है, रवीश कुमार की वीडियो नहीं देखे, मिलियन में चल रहा है। रवीश कुमार को दबाने का मतलब है प्रधानमंत्री मोदी जी का मुंह, काला मुंह सामने आना, अनिल अंजुम हुए। लेकिन छोटे छोटे यूट्यूबर बेचारे जो मेहनत कर रहे हैं उनके चैनल को लगातार सरकार मैनेज करती है, मीडिया मैनेज करती है सरकार, ये आरोप है। आप लोग देखिए रामदेव बयान दे रहा, मुसलमान नमाज पढ़ता दंगा करता है, उधर से स्वाधी जी आ जाती हैं, गदर में मेरा भाई आएगा सन्नी, ओ सन्नी, मतलब मुसलमान बेटी से शादी से ईमानदार पत्रकारों कुछ भी बोलेंगे आप। अच्छा वो ईमानदार है, हाँ अगर टीआरपी से पत्रकार तो निकालो क्या, टीआरपी से निकालो क्या, टीआरपी से निकालो क्या, लोग दलालों को देखना दलाल नहीं देखते हैं, वो देखते हैं कि कितनी दलाली कर रहे हैं। हिंदुस्तान के लोग पागल नहीं है, दलाल पत्रकार पागल है, और तुम भी पागल हो, तुमको बता दें हम आपको, तो एक मतलब हमारे देश के युवा पर स्किल नहीं है, वो नौकरी नहीं पा सकता, वो दलाली करता है। अरे सुधीर चौधरी के बारे में आप कैसे बोल सकते, उन्होंने पूरी जिंदगी खपा दी है किसमें, तभी उनको सच को दिखाया है, सच आपके तरह जो है कांग्रेस की गुलामी, अभी पकड़े गए थे माफी मांगी है, अभी पकड़ी गई है, अब गुलामी हमने, गुलाम तो मोदी जी है, बार बार नेहरू गांधी का नाम लेते हैं, 9 साल सरकार बनाने के बावजूद दलाली खाते हुए आज भी नेहरू गांधी का नाम लेते हैं। ओम और अल्लाह एक ही है पंडित जी, हर हफ्ते यूनिवर्सिटी और 2 कॉलेज बनाए 8 साल। ओम और अल्लाह एक ही है लेकिन मानने के तरीके अलग अलग हैं। विरोध कर रही है हर हफ्ते, विरोध कर रही है यूनिवर्सिटी और 2 कॉलेज बनाए है। जिस दिन सबूत के साथ ले आएंगे ना उस दिन मानेंगे, खाली बिल्डिंग खड़ा कर देने से, पिलर लगा देने से एक बार हाईवे बन गया था,
एयरपोर्ट बन गया था और वहाँ कुछ नहीं बना था। आपने जो कहा है कागजों में जो बने, लेकिन सुधीर चौधरी तो राष्ट्रीय पत्रकार है ना, राष्ट्रवादी पत्रकार। राष्ट्रीय पत्रकार कैसे होगा, नेशनल पत्रकार भी होने लगे क्या आपको? पूर्णश्रुति देश हित में तो युवाओं के हित में बात करे। अच्छा राष्ट्र हित मतलब क्या है? भाजपा नेताओं का हित, बाबाओं का हित या जनता का हित राष्ट्रवाद में आएगा? मुझे एक ही सवाल करना आपसे, ओम और अल्लाह एक कैसे? ओम और अल्लाह एक है, अल्लाह के भाई देखो बनाने ऊपर वाला एक एक है। हम जब पैदा होते तो हमें ये नहीं बताता कि मुसलमान घर में पैदा हुए या हिंदू घर में पैदा हुए, लेकिन मानने के तरीके अंतर है। इस्लाम में अल्लाह ही सब कुछ है, हमारे यहाँ पे सभी देवी देवताओं को हम लोग अलग अलग पूजा करते हैं, व्रत है, उनके सारा कॉन्सेप्ट अल्लाह से ही और नबी से ही रखा है। हमारे यहाँ पे और भी प्रथाएं हैं तो मानने का तरीका अलग है, लेकिन ईश्वर एक ही हम मानते हैं। अभी तो मुसलमान ही है पंडित जी, तो क्या ही बोले उनसे हम? पढ़ते हैं, नबी के लिए रोते हैं। आपको जो भाई हम तो बोलेंगे किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ गलत होगा, चाहे राम के हो चाहे रहीम के हो। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, कोई पाकिस्तान में तो रहते नहीं है कि जहाँ पे बदतमीजी की जाए, मुसलमानों को मस्जिद तोड़ दी जाए, वहाँ कोई कुछ ना बोले। हम तो यहाँ के मुसलमानों को भी कहते हैं कि पठान 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 सभी चैनलों ने दिखाया, लेकिन उससे ज्यादा मुसलमान पे अत्याचार हो गया तो उसको किसी ने दिखाया। लेकिन दीपक चौरसिया पे पॉक्सो एक्ट लगाया। ऐसे दलाल पत्रकारों को हम का ही बोले, का बोले? कोई रेप कर रहा है, कोई युवाओं को पागल बता दे रहा है, रामदेव आगे मुठा कुछ भी बोल दे रहा है। एजेंडा क्या है बताइए? हमारा एजेंडा है इंसानियत, सभी धर्म सभी जातियां एक साथ रहे और संविधान के दायरे पे देश चले। भागवत जी तो वही कर रहे हैं ना, भागवत जी भागवत सुना रहे हैं। और कौन सी भागवत? वो भागवत नहीं है जो भागवत हम लोगों के सनातन धर्म की है, वो भागवत जो भाजपा ने लिखी है, जो बुलबुल मुड़ गए वो गए थे। आप कभी पंडित दोषी हो जाता है, कभी दलित खराब हो जाता है, कभी आदिवासी खराब हो जाता है, कभी मुसलमान आतंकवादी हो जाता है। अरे तो मोदी जी तुम लोग एक बार मोदी जी संबित पात्रा कहता है मोदी मेरा बाप है। अरे यार चूड़ी उड़ी पहने हो क्या यार, बेवकूफी वाली बात कर रहे हो? मना तो जो बयान दे रहा जेल में डालो, जो बयान में किसी के सर्टिफिकेट, किसी के बाप का देश नहीं है। और हमें सगे मेरी जरूरत है, उतरवाना हो आगे साक्षी बनात को उतरवाओ, उतरवाना हो जिसने रेप किया था बता रहे दलालो बेशर्मो, रेप करने के बाद आप कम गाना कंपोज कर रहे हो, शर्म नहीं आ रही है? उस बेटी की आत्मा से पूछो। अब आप लोग आज भी बेटी पढ़ाओ की बात करते हो, अडानी का नाम लाते ही चैनल का व्यू कम कर देते हो। प्रजा के लिए जो उसकी हुकूमत होती है ना, वो बाप दाखिल होता है। कौन? किसी भी प्रजा के लिए पूरी दुनिया की बात। ये हुकूमत उसके लिए बाप दाखिल है। ये तालिबानी ISI और CIA सीजन नहीं चल रहा है, ये देश का लोकतंत्र है। अरे यहाँ लोकतंत्र में जनता बाप होती है, नेता बाप नहीं होता। नरेंद्र मोदी होगा आपका बाप, इस देश का बाप नहीं है। मोदी इस देश का बाप नहीं है, जनता ने चुना है, लेकिन बाप नहीं बनाया है। नौकर है वो और नौकरी करे। कांपते तो आप लोग, कपड़ा उतारवा दिया गया था आपका। डरता नहीं पंडित किसी के बाप से, हम डरते अपने महाकाल से। डरना होगा कौन से? डरना होगा अगर इस देश में रहना है तो। कौन? एक चीज बता दे, मोदी से आप डरोगे? मोदी से डरेगा मेरा जूता? लो डर गया मोदी, डर गए हम डर गए भाई। अरे डर तो रहा, लो कौन माफी मांगे? महत्वपूर्ण बात है, हम प्रधानमंत्री मोदी को वोट दिए हैं, टैक्स का पैसा देते हैं, वो नौकरी करने आए थे, बाप देश के ना बने। बाद में इंटरप्ट नहीं कर पाओगे आप, सुनो अकेला शेर, आप अकेला शेर। ये बताओ कौन सा शेर है जिसकी 6 फीट की छाती है? हथनी उतनी तो नहीं है वो, कौन शेर है जिसकी 6 फीट की छाती है? 12 इंची बराबर 1 फीट, 5 फीट तो ऐसे नहीं कर, 5 फीट की छाती किसकी होती बताओ? छाती है की छाता? छाती की छाता। आपका जो शेर है ना राहुल गांधी, वो नकली, पता है नकली भेड़िया, उसको आप लोग मेहंदी लगा करके शेर बता रहे हैं। अच्छा असली शेर मोदी है। और तभी वो शेर जब दिखाता है तो मोदी जी नौटंकी करने लग जाते हैं, गाना गाने लग जाते हैं। ऐसा बेशर्म मोदी जैसा देश को प्रधानमंत्री मिला है। मोदी जी 60 लाख की गर्लफ्रेंड बोले तो वहां ताली बजा के हो गए हिजड़ों की तरह, और यहाँ बोलने भी नहीं दे रहे हो। देश संविधान से चलने वाला था, किसी का आर्थिक भावना धार्मिक भावनाओं से नहीं, लेकिन धार्मिक बना के देश को तोड़ा मरोड़ा मारा गया है। लूटे हम हैं, गए मेरे भी हमारे भाई हैं जो राम के नाम पे कटे हैं, जो इस्लाम के नाम पे कटे हैं। राम मंदिर जब बना है 23 मंदिर वहाँ तोड़े गए हैं,
उस 23 मंदिरों को पुनः स्थापना की मांग करेंगे, वहाँ पे जितने लोगों की दुकानें गई हैं उनके मुआवजे की मांग करेंगे, और राम ने कभी भी जनता को नुकसान नहीं पहुँचाया था। आप बताइए, रास्ते में कहीं भी यूपी में हाईवे पे पैक चल जाता है, कभी भी जो है आप चले जाइए वहाँ पे दलित का, वहाँ पे स्कूलों में दलित बच्चों को गाली बक्की जाती है, इस तरह के माहौल में तो यूपी पल रहा है। मत करिए, जूता दिखाएं सुधीर चौधरी से। ओ पत्रकार महोदय, बोलिए सुधीर चौधरी हमसे गलती हो गई है। कौन? हम बहकावे में। अरे छोड़ो, मांगे सुधीर चौधरी से माफी। बहकावे सुधीर चौधरी, कोई 18-19 साल का लौना बयान नहीं दे रहा, बाल योगी बयान दे रहा है, बहकावे में किसी नहीं आता। कोई 18-19 साल का लौना बयान नहीं दे रहा है। धमकी बांधोगे, जेल भेजोगे, पूरी जेल भेजो। लो धीर दिखाया, लो रोक लो, हमने वोट दिया, हम दिखाएंगे भाई हमारा काम नहीं हुआ।